हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर यहाँ पर चर्चा कर रहे थे मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विशेषक और उसके साथ साथ उसके बाद में हम लोगों ने चर्चा की थी मानव भूगोल के सिद्धांतों पर। आज का जो हमारा विषय है वो है मानव भूगोल के उपागम, यानी कि हम किस दृष्टि से, किस दृष्टिकोण से हम इसका अध्ययन करते हैं उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो आज जो हमारा विषय है वो है मानव भूगोल के उपागम। उपागम को हम अप्रोच के रूप में भी कह सकते हैं, यानी कि अब हमें इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर भी चर्चा की थी कि हम मानव भूगोल किसको कहेंगे, मानव भूगोल की एक साधारण सी परिभाषा क्या है, हम लोगों ने इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी। तो हम एक साधारण रूप में इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि मानव भूगोल वास्तव में क्या है, कि मानव भूगोल एक ऐसा विषय है, एक ऐसा अध्ययन है जो मानव और वातावरण के अंतर संबंधों और अंतर प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है, उसे ही हम मानव भूगोल कहते हैं। अब इस मानव भूगोल की परिभाषा से अपने आप में कई सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं, जैसे इसमें एक तो मानव का अध्ययन किया जा रहा है, दूसरा वातावरण का अध्ययन हो रहा है और किस रूप में दोनों के बीच में जो अंतर संबंध और अंतर प्रक्रियाएं पाई जाती हैं उस रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। अब जब ये बात हमारे सामने आ जाती है तो हम ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं। तो इसी दृष्टिकोण के आधार पर हम इसके अध्ययन की रूपरेखा भी तैयार करते हैं और इसीलिए हम मानव भूगोल के उपागम के अंतर्गत चार प्रमुख उपागम के बारे में बात करते हैं। यानी कि हम बात करें तो चार प्रमुख दृष्टिकोण हैं जिनके आधार पर मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। उसमें सबसे पहला जो उपागम आता है वो है पारिस्थितिकी उपागम, इकोलॉजिकल अप्रोच। अब ये क्या है, परिभाषा पर आप गौर करिए, परिभाषा क्या है, मानव और वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन। इसका मतलब स्वाभाविक है कि जब हम इसमें वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मानवीय क्रियाकलापों का, उस पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन होगा। और जब इसका अध्ययन होगा तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब मानव के पर्यावरण, मानव और पर्यावरण दोनों के बीच के संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं और मानव के द्वारा पर्यावरण पर जो प्रभाव डाला जाता है उसके बारे में हम इस पर बात करते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मानव और पर्यावरण के संबंधों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं और वो अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी उपागम, इकोलॉजिकल अप्रोच कहलाता है, मानव और वातावरण के संबंधों का अध्ययन। अब ये जो संबंध है ये संबंध लगातार बदलते रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य अपनी सभ्यता का विकास करता हुआ आया है पर्यावरण के साथ उसके संबंध लगातार बदलते रहे हैं और ये जो संबंध बदलते रहे हैं इस आधार पर विभिन्न प्रकार के विचारधाराएं या विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलन में रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला तो आता है उसको हम कहते हैं निश्चयवाद। ये दृष्टिकोण जो है वातावरण के संबंधों के साथ मानव का जो संबंध है उसके प्रति ये दृष्टिकोण ये बतलाता है कि प्रकृति सर्वे सर्वा है, प्रकृति ही सब कुछ है, मनुष्य कुछ भी नहीं है। यानी कि इस विचारधारा में प्रकृति को सर्वे सर्वा माना जाता है और ये कहा जाता है कि प्रकृति जैसा चाहे मनुष्य को वैसा ही करना पड़ता है, उस विचार को हम निश्चयवाद कहते हैं। इसी के धीरे धीरे फिर जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे दूसरी विचारधारा ने जन्म लिया जिसको कि हम संभववाद के नाम से जानते हैं। अब ये संभववाद क्या है, ये मानवीय जो क्षमता है उसको महत्वपूर्ण स्थान देती है। ये यूं कहती है विचारधारा कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं है, मनुष्य को जो करना है वो उसे करना ही है, वो करके ही रहेगा क्योंकि मनुष्य के पास क्षमताएं हैं, बुद्धि है, वो लगातार क्रियाएं करता रहता है और उसमें
पर्यावरण को बदलने की क्षमता भी मौजूद है, तो उस प्रकार की विचारधारा को हम संभववाद के नाम से जानते हैं। तीसरी जो विचारधारा इसके अंदर चली वो इन दोनों के बीच में संबंधों को स्पष्ट करते हुए जिसको कि हम नव निश्चयवाद के रूप में जानते हैं। ये विचारधारा इन दोनों विचारधाराओं के मध्य संतुलन बना देती है। इस विचारधारा में तो कहा गया कि प्रकृति सर्वे सर्वा है, इसमें कहा गया कि मनुष्य एक सृजनकारी प्राणी होने के कारण से असीमित क्षमताएं रखता है, लेकिन इस विचारधारा में ये कहा गया कि मनुष्य प्रकृति के अधीन रह करके प्रकृति द्वारा प्रदत्त सीमाओं में बंद करके अपने विकास के विभिन्न विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि यह विचारधारा इन दोनों के बीच में संतुलन की बात करती है। कुछ हद तक प्रकृति प्रभावी है और कुछ हद तक मनुष्य ने भी अपनी क्षमताओं से प्रकृति में परिवर्तन किया है। ये विचारधारा इस बात को स्पष्ट करती है। तो इन तीन आधारों पर जो भी हमारे संबंध रहे हैं उन संबंधों को हम किसके अंतर्गत देखते हैं? पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत देखते हैं। यानी कि पारिस्थितिकी उपागम में मानव और वातावरण के बीच में जो संबंध हैं उन संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है। अब दूसरा जो उपागम आता है उसको हम कहते हैं क्षेत्रीय या स्थानिक उपागम। अब हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम हमारा जो धरातल है वो विविधताओं से भरा हुआ है। सभी जगह पर वातावरणीय दशाएं समान नहीं है, धरातलीय दशाएं समान नहीं है। इसके कारण से सभी जगहों पर निवास करने वाला मानव समुदाय भी समान रूप से कार्य नहीं कर सकता है। सभी जगहों पर या यो कह सकते हैं हम कि धरातलीय भागों पर विभिन्नताएं और विविधताएं पाई जाती हैं, और जो कि एक स्वाभाविक तथ्य भी है। तो हमारा अध्ययन का जो दृष्टिकोण होता है वो यही होता है कि किस क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है और उस वातावरण का उपयोग करके मनुष्य ने वहाँ पर किस प्रकार से कार्य किया है, मनुष्य ने किस प्रकार से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है, उसकी जानकारी हम क्षेत्रीय या स्थानिक उपागम के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसके माध्यम से हमारे को प्लानिंग में हेल्प मिलती है, क्योंकि हम कोई भी एक योजना समस्त भागों पर लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समस्त जगहों में विविधताएं पाई जाती हैं। एक नियम जो एक क्षेत्र में लागू हो सकता है ये आवश्यक नहीं होता कि वो दूसरे क्षेत्र में भी लागू हो सके। तो इसके कारण से हमें क्षेत्रीय या स्थानिक उपागम की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा जो उपागम आता है उसको हम कहते हैं व्यवहारगत उपागम, प्रैक्टिकल अप्रोच। अब हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए अध्ययन का? व्यवहारात्मक, प्रैक्टिकल, न कि थ्योरिटिकल सैद्धांतिक, कि वास्तव में क्या है। क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य ने क्या किया है, वातावरण के विभिन्न तत्वों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है। अब ये जो सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, इन सांस्कृतिक भूदृश्यों में भी हमें विविधताएं दिखाई देती हैं। और विविधताएं क्यों है? क्योंकि वातावरण भी अलग अलग प्रकार का है, जिसके कारण से मानव और वातावरण के संबंध लगातार बदलते भी रहे हैं। इसलिए जब भी हम सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन करते हैं तो हमारे को एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी होती है कि वहां का वातावरण किस प्रकार से कार्य कर रहा है। ये इसके साथ महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और चौथा जो हमारा दृष्टिकोण आता है वो आता है, उसको हम कहते हैं मानव कल्याण परक उपागम, ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच। अब ये क्या कहती है? स्वाभाविक है, किस बात पर फोकस है यहां पर? कल्याण पर। किसका? मानव का। अब मानव का कल्याण केवल भूगोल का ही विषय नहीं है, ये हम बात कहें कि चाहे हम किसी भी प्रकार के विषय का अध्ययन करें, प्रत्येक विषय का अंतिम लक्ष्य क्या है? मानव कल्याण है। तो स्वाभाविक तौर पर भूगोल के अंदर भी यही बात आती है, और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं
चर्चा कर चुके हैं कि मानव भूगोल के अंदर मानव को केंद्रीय स्थान प्राप्त है, यानी कि जो भी हमारा अध्ययन है वो किस पर होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, मानव के लिए होना चाहिए, और किस दृष्टिकोण से, मानव के कल्याण की दृष्टिकोण से। यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का हम प्रयोग किस आधार पर करें कि हम मानव कल्याण को अधिकतम कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से किया जाने वाला अध्ययन मानव कल्याण परक उपागम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसमें संसाधनों का उपयोग शामिल है। यहां पर इस बात पर जरूर जोर दिया जाता है कि ये संसाधनों का अध्ययन हमारी केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नहीं है, ये हमारे भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी है। यानी कि हम जो मानव कल्याण की बात करते हैं, ये मानव कल्याण न केवल वर्तमान में बल्कि सतत दृष्टिकोण से भी होना चाहिए। इसीलिए सतत विकास, समृद्ध विकास जिस या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम करने लगे हैं। यानी कि हम संसाधनों की निरंतरता पर आप चर्चा करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अप्रोच क्या है, मानव कल्याण परक। तो इस प्रकार से हम देखें तो मानव भूगोल के जो उपागम है, पढ़ने का जो दृष्टिकोण है, अप्रोचेस जो है, उनके अंतर्गत हम इन चार तथ्यों को शामिल करते हैं। इन चार बातों के आधार पर हम जानकारी प्राप्त करते हैं, पारिस्थितिकी उपागम, क्षेत्रीय या स्थानिक उपागम, व्यवहारगत उपागम और मानव कल्याण परक उपागम। इन चार दृष्टिकोण के आधार पर मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। अब तक हमने क्या जानकारी ली? मानव भूगोल की परिभाषा पर, प्रकृति पर, विषय क्षेत्र पर, सिद्धांतों पर, और उसके साथ साथ हमने बात की मानव भूगोल के उपागम पर। तो यहां तक की जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। आगे आने वाले विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, विभिन्न प्रकार के तथ्य जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, विभिन्न विद्वानों के अनुसार हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे सामने ये सभी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मानव भूगोल में मानव को केंद्रीय स्थान मिला हुआ है, और उसके साथ साथ मानव भूगोल मानव और वातावरण के मध्य जो अंतर संबंध और अंतर प्रक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करता है। ये बात हमारे सामने स्पष्ट, या यूं कहें कि ये बात हमारे को बिल्कुल अच्छे से याद रख लेनी है, तभी हम मानव भूगोल के बारे में अधिक समझ रख पाएंगे। अब अगले विषय पर हम अपनी अगली क्लास पर चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।